वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ आंदोलन से की थी। 70 के दशक में रामविलास पासवान ने जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद साल 1977 के चुनाव में पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनकर सांसद पहुंचे थे और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी और साल 1980 में दोबारा चुनाव हुए। इसके बाद सांसद में आमने सामने आ गए थे पासवान और इंदिरा गांधी। पासवान की जीवनी रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव ने इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। रामविलास पासवान भी इन चुनावों में हाजीपुर से मैदान में उतरे और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केंद्र में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, लेकिन साल 1984 में इंदिरा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा में रामविलास पासवान भी मौजूद थे। पासवान ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ से बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद पासवान ने एक के बाद एक सरकार की नीतियों पर निशाने साधे। उनके एक बयान से सांसद में इंदिरा गांधी नाराज भी हो गई थी। पासवान ने कहा था, इंदिरा जी जब झंडा फहरा रही थी तो उन्होंने कहा था कि उनका पूरा परिवार देश के प्रति समर्पित है। ये सच है। सांसद के बाहर नारा लगता है कि देश की नेता इंदिरा गांधी, युवा नेता राजीव गांधी, महिलाओं की नेता मेनका गांधी और बच्चों के नेता राहुल गांधी, भाड़ में जाए महात्मा गांधी। आक्रोश में इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था, आपने तो मेरे पोते को भी नहीं छोड़ा। रामविलास पासवान ने इसके जवाब में कहा था, मैडम आपका नाती कोई मामूली बच्चा नहीं है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लोकसभा की कार्यवाही देर तक चलने के कारण सांसदों के लिए खाने का इंतजाम संसद भवन की पहली मंजिल पर रखा गया। अपनी किताब रामविलास पासवान संकल्प साहस और संघर्ष में प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं कि पासवान अपने सांसदों के साथ गलियारे में खड़े हुए थे, तभी अचानक इंदिरा गांधी भी ऊपर आ गईं। इंदिरा गांधी के सम्मान में सभी सांसद रुक गए और वो जब पासवान के पास आईं तो कहा, आइए चलिए, कहाँ जा रहे हैं? पासवान ने कहा, घर जा रहा हूँ, कुछ मेहमान आए हैं। इंदिरा गांधी ये बात सुनने के बाद रुकी और बोली। इंदिरा गांधी ने रामविलास पासवान को कहा, चलिए पहले खाना खा लीजिए, खाएंगे नहीं तो गाली देने में मजा कैसे आएगा। रामविलास पासवान और इंदिरा गांधी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही ऐसे दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।